पानी तो मारना ही पड़ेगा, सुबह 5 बजे की तोड़ी हुई भिंडी है वो जब बासी होने लगती है तो पानी मार के ताजा करना पड़ता है। सर मौसम तो गजब का हो गया, शानदार है, दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है। चेक 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 चेक। हाँ चलो शुरू करते हैं आसान अंदाज में जो आप सबकी समझ में आए। और क्या हो गया, ज्यादा जोश से बोल दिया यार, एसी चलवा दूंगे क्या यार, पानी तो मंगाओ। चॉइस ब्रोकिंग में बोलना है ना, पहला था निवेश क्या होता है, कैसे शुरुआत करें, निवेश क्या आदत कैसे डालें। सुबह से लेके इवनिंग तक आप कमाल की, चलिए शुरू करें। पानी मंगाया था, सोचने दे रुक जा, मोमेंटम बनने में थोड़ा टाइम लगता है। चाय तो मंगाओ कुछ यार, गला ही सूख गया, मैं जाऊं मेरी जरूरत है। अरे अब तो शो खत्म ही हो गया, क्या पानी का। स्वागत है आप सभी का, ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, एक बेहद ही खास शो जिसमें आपको निवेश की बारीकियां हम बताते हैं और बहुत ही बेहद ही सिंपल और खास अंदाज में जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। हम पहले 2 एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें हमने बात की निवेश क्या होता है, कैसे शुरुआत की जाए, कैसे निवेश की आदत डाली जाए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बेहतरीन हमने कहानी सुनी किससे, अनिल जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और आप जिस अंदाज से समझाते हैं ना निवेश के बारे में, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितने अच्छे से समझाया आपने। दो चीजें हैं स्वाति, हाँ। एक तो अच्छा लगना रहा, एक समझ में आना, हाँ। दोनों में फर्क है। ये मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ, ये दोनों ही आपके जो तमाम व्यूअर्स हैं वो समझते हैं। तो कोशिश हमारी ये कि अच्छा भी लगे, समझ में भी आए, यानी कि अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल। और जितने रिस्पॉन्स हमें आए, इनफैक्ट पहले 2 एपिसोड के बाद लोग कह रहे हैं कि बेहतरीन आपने शो शुरू किया इन्वेस्टमेंट गुरुकुल का। बिल्कुल शुक्रिया। और थोड़ा मुझे लगता है एक आध एपिसोड और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की ज़रूरत पर हम बात करेंगे, और उसके बाद आपको एक एक करके हम ये सिखाना शुरू करेंगे कि एग्जैक्टली जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कैसे करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अब निवेश की जब बात हो रही है, कई लोग ये कहते हैं अनिल जी क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, तो निवेश का ये फंडा क्या है। नहीं करेंगे तो सिर्फ जब तक गाते रहेंगे कि कैसी मुश्किल हाय वो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हाय हाय होगा तो इसलिए हाय तक ठीक है। बेसिकली सिंपल है स्वाति, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है इन्वेस्टमेंट करने में, कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है वो नहीं, कहाँ कहाँ नहीं करना है, यही तो परेशानी है, कहाँ नहीं करना है। हाँ, जब तो, कुछ आता ही नहीं है तो कैसे पता चले। एग्जैक्टली आपने जवाब दे दिया आपके सवाल का, मालूम है क्या इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये, सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है और वो ये कि जो मुझे नहीं आता उसमें निवेश नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में लोग क्यों पैसा लगाते हैं सोने में, क्यों लगाते हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि उन्हें लगता है हमें आता है। ठीक है, FD में क्यों पैसा लगाते हैं, हमें आता है, गए बैंक में FD करा दी। ठीक है, लेकिन यही FD, यही फिक्स इनकम वाला कोई म्यूचुअल फंड है जिसे हम डेट फंड गिल्ड फंड कहते हैं, हाँ। बात वही है, लेकिन वो आता नहीं, तो नहीं भारी भरकम शब्द आ जाते हैं। हाँ, आता नहीं है। इक्विटी, शेयर मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड, SIP आता नहीं है, इसलिए पैसे नहीं लगाते। तो पहली चीज तो ये बहुत साफ है, वैसे एक तरह से समझदारी का काम भी है, जो नहीं आता है वहां पैसा मत लगाइए, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वो नहीं कि जो नहीं आता वो वहां पैसा नहीं लगाना है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट गुरुकुल है। बिल्कुल, जहां जरूरत है और जो सही है वहां पैसा लगाना है। तो जो आपको आता है ठीक है अपनी जगह, जो नहीं आता है वो फिर हम इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आपको सिखाने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, अब आपने बोला क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए। अच्छा, आप पैसा बचाती हैं। बिल्कुल। किस लिए बचाती हैं, कि मुसीबत में आपके काम आए। हाँ ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करती हैं तो क्यों करती हैं, कि पैसे से पैसा और बने, पैसे से पैसा बने, कितना बने, दुगना तिगना, जरूर जितना बन सके, ज्यादा बने, जितना बन सके, जितना हो अच्छा। कितने समय में बने, जितना जल्दी, जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल, लेकिन ये सब तो आपके क्या कहना चाहिए, गोल है, मंजिल है, वहां तक पहुंचना है आपको, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है जर्नी, इम्पोर्टेंट है प्रोसेस, उस मंजिल तक पहुंचने की राह।
वो ज्यादा अहम है। अगर आप सही राह पर हैं तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना। हाँ। भाई जाना आगरा है, रास्ता आपने किसी और जयपुर का पकड़ लिया तो कैसे चलेगा, है ना। तो आपको कौन सा रास्ता लेना है वो अगर आप पता है तो फिर दिक्कत क्या है, जल्दी पहुंचेंगे या लेट पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो पक्का ना। बिल्कुल। लेकिन अलग रास्ते पे जा रहे हैं, कश्मीर की जगह कन्याकुमारी का रास्ता ले लिया तो पहुंचेंगे नहीं फिर, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये तय करना है कि मेरी मंजिल क्या है। और इसमें जो मंजिल आपने जो बोला ना वो सब नहीं है कि बहुत सारा पैसा कमाना है, 2-3-4 गुना करना है, बहुत जल्दी कमाना है, जी नहीं। मंजिल आपको ये डिसाइड करनी है कि मुझे पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए, आपका गोल क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है। क्या मुझे गाड़ी खरीदनी है, क्या मुझे एक फॉरेन ट्रिप करनी है, क्या मुझे अच्छे गैजेट्स खरीदने हैं, या क्या मुझे कुछ और, मुझे खुद को पढ़ाई करनी है, मेरे बच्चों को पढ़ाई करवानी है, उनकी एजुकेशन के लिए चाहिए, घर खरीदना है, शादी या रिटायरमेंट की अपनी जरूरत है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। एक लाख रुपए के आईफोन खरीदने से लेकर शादी का 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना कि आज जो ये पैसे मैं बचा रहा हूँ ये किस काम के लिए बचा रहा हूँ। अब आमतौर पर लोग गलती करते हैं, बचाते तो हैं, पता है पैसा बचाना है फ्यूचर में काम आएगा, लेकिन जब पैसा निवेश कर रहे हैं ना तब ये नहीं सोचते कि इस पैसे को जो निवेश कर रहा हूँ ये मेरे कब काम आएगा, ये पैसा जो निवेश कर रहा हूँ ये कब काम आएगा, ये पैसा 5-5 हज़ार रुपये में बचा के एक आईफोन खरीदूंगा या 10-10 हज़ार रुपये कई सालों तक बचा कर मैं एक घर खरीदूंगा, दोनों में फ़र्क है। और क्यों है वो, इसलिए सोचते कि जब तक आप ये फ़र्क नहीं करेंगी ना तब तक आप सही जगह निवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं पैसा बचाऊं और मेरे जरूरत के काम ना आए तो ऐसी बचत क्या काम की, ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या काम का, बिल्कुल करेक्ट। तो पता चला पैसा चाहिए 3 महीने बाद और मैंने लगा दिया प्रॉपर्टी में जिसका रजिस्ट्रेशन होने में 3 महीने लग जाता है, है ना। ये समय का जो एक कैलकुलेशन होता है, मतलब 5 साल के बाद पैसा चाहिए कि 10 साल के बाद चाहिए कि 20 साल के बाद चाहिए, ये कई लोगों के समझ में नहीं आता। मुझे जैसे मानिए 5 साल के बाद चाहिए होंगे, मानिए 50 लाख रुपए चाहिए होंगे, अब मुझे पता नहीं कि 5 साल के बाद मैं इतनी रकम इकट्ठी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बहुत आसान है, या मुझे 10 साल के बाद वो पैसे चाहिए, ये कैसे तय करें। देखिए आपको सबसे बेहतर कौन जानता है, अपना आप, बस सिंपल है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। फिर भी एक और आदमी होता है, एक और प्राणी होता है जिसे कहते हैं डॉक्टर। हाँ। वो कई बार आपको देख के बता देता है कि आपकी समस्या क्या है, वो आपकी समस्या बता सकता है और उसका सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं आपको तकलीफ है तो तकलीफ तो आप ही देख रहे हैं ना। हाँ। वो तो आप ही को बताएगा अंदर कितनी तकलीफ है, डॉक्टर तो खाली सॉल्यूशन देगा। ठीक उसी तरह आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपका डॉक्टर है, निवेश का डॉक्टर, आपका निवेश का डॉक्टर है, वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा, सॉल्यूशन देगा और वो आपको ट्रीटमेंट दे देगा और उसके बेसिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस वजह से आप कर रहे हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल भाई, डॉक्टर क्या बेसिस पे दवा देता है, क्या बीमारी है, डायग्नोज कर लिया, खांसी जुकाम है, फीवर है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द। देखिए आपकी बहुत ही बड़ी वो ऐसी गंभीर बीमारी है तब तो अलग बात है, छोटी मोटी बीमारी तो आप जो सिम्टम्स बताएंगे, 3 बार वोमिट हुआ, 4 बार हेडेक हुआ, 2 बार पेट दर्द हुआ, तो उसके हिसाब से वो दवा दे देता है। ठीक उसी तरह से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जो जो बताओगे उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बता देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क इतना है कि अगर आपको ये पता है कि मैं इस काम के लिए पैसा बचाना चाहता हूँ, क्योंकि 5 साल बाद मुझे पढ़ाई के लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, 3 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है उसके लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता देगा, या अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको खुद को भी पता चलेगा। आजकल कैलकुलेशन करने के तो 50 तरीके हैं, इंटरनेट पे जाइए तुरंत आपको पता चल जाएगा धड़ाधड़ एकदम आपका कितना कितना। एक अनु जी, ये एक है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होगी नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट, और एक है आप कितना जल्दी और समय के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। अब ऐसे भी कई निवेशक होंगे जो कि सोचते हैं कि पहली सैलरी आ गई
या 18 की उम्र हो गई जब आपके वोटिंग राइट शुरू होते हैं, चलिए अब निवेश का श्री गणेश भी कर देते हैं। करेक्ट। कुछ ऐसे होंगे जो कि अब 30s में निवेश करते हैं, तो जितना जल्दी निवेश शुरू किया जाए वो बेहतर कि समय आने पर नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट सही होता है या गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट सही? नहीं, सबसे ज्यादा छाते तो बारिश के वक्त ही बिकते हैं गर्मी में कौन खरीदता है लेकिन ये सबको पता है कि जो छाता गर्मी में खरीदा जाए वो सस्ता होता है। हाँ। बारिश के वक्त प्रीमियम देनी पड़ती है, भाव बढ़ जाते हैं जी। करेक्ट। तो बस आपको पता करना है कि आपको अपना छाता कब खरीदना है। जब जरूरत पड़े उस वक्त जाके खरीदें या पहले से रख लें कि बारिश तो आनी, सबको पता है बारिश आनी है, कम आएगी या ज्यादा आएगी बात तो उतनी है। सबको पता है फ्यूचर में पैसे लगेंगे, कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे बात तो उतनी है। तो फिर ले लो ना भाई छाता, खरीद लो आज ही, इंतजार किस बात का है। लेकिन एक गलत फहमी जो हिंदुस्तान में कई लोगों को है वो यहां दूर करना जरूरी है। वो क्या? पहली बात कि अभी तो मेरी उम्र 10, 12, 15 साल, 20 साल ही हुई है, अभी तो मैंने पहली कमाई की है, अभी से क्या पैसा लगाना, अभी तो मेरे खाने खेलने के दिन है, ऐश करने के दिन है, पार्टी करने के दिन है, शौक पूरे करने के दिन है। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं वो गलत है। और दूसरी एक और एक्सट्रीम केस भी है, ऐसा नहीं 15-20 साल वाले लोग ही गलत सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो 65-70 वाले हैं, वो सोचा अब हमारी तो उम्र नहीं गई, कब्र में पैर लटके हैं, कभी भी निकल जाएंगे, अब क्या जरूरत, अब क्या पैसा बचाना और अब क्या इन्वेस्ट करना, वो भी गलत है। गलत दोनों ही है, 15 साल वाला भी गलत है, 75 वाला भी गलत है। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी देर नहीं हुई है, जो मैंने पहले भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब से होनी चाहिए, कल से, जो जा चुका है वो वाला कल, नहीं कि आने वाला कल, कल नहीं की तो आज करिए क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप 70 के भी हैं तब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि 15-20 साल की उम्र में अलग तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, 60-70 साल की उम्र में अलग तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, 40-45-50 में अलग तरह से होगा। आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी कमाई के हिसाब से, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के तरीके बदलेंगे, कहाँ आप निवेश करेंगे वो तरीके बदलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, होगा 100% होगा। तो निवेश से जुड़ी ढेरों बातें करनी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे निवेश के और तरीके, किन किन बारीकियों का ध्यान रखने की आपको जरूरत है, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, यह है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, और निवेश की तमाम बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके बेटे अभी 18-19 साल के हैं, वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो आप पूछ रहे थे कि मैं क्या अभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता हूँ, मतलब इतना बड़ा होराइजन अगर मानिए हम 30-40 साल के बारे में सोचते हैं तो इतनी लंबी प्लानिंग इतनी यंग उम्र में। अच्छा, मुझे एक कोई एक आध आदमी है आपके ध्यान में ऐसा जो बहुत ज्यादा और जिंदगी भर काम करना चाहता है? अब कौन करना चाहता है? मेरे अलावा तो कोई नहीं है ना ध्यान में काश हम भी इंस्पायर हो नहीं, मजाक की बात यह है लेकिन सीरियसली ये कि रिटायर तो हर आदमी को होना है ना, एक दिन तो होना है, क्यों ना आप जितना जल्दी रिटायर हो उतना बढ़िया है। अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट कौन सोच सकता है? अच्छा, और रिटायरमेंट के बाद काम कौन करता है? रिटायरमेंट के बाद वो आदमी काम करता है जिसे अब भी पैसे की जरूरत है। दो तरीके से, या तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और हाई पैसा वैसा है, या वाकई में कड़की है तो उसे काम करना है। और दूसरा ये कि जिसने पहले इतना पैसा बना लिया है, अरे अवेश करेंगे, अब है पैसे हैं, अब क्या काम करना है, अब बची हुई जिंदगी में दुनिया देखेंगे, है ना, वैसे लोग होते हैं। आपको कैसे रिटायर होना है? मुझे बहुत सारा पैसा हो, जल्दी से रिटायर हो जाए, बिल्कुल यही चाहते हैं ना, बिल्कुल कि भाई समय से पहले हो। 60 में सब होते हैं, 70 में सब होते हैं, मेरे पास 50 में इतना पैसा होना चाहिए कि मैं आराम से 50 में भी सोच लूं अब मुझे अच्छा लग रहा है तो काम करूंगा, पैसे कमाने के लिए नहीं करूंगा, मोहताज नहीं, मुझे ये काम करने में मजा आता है इसलिए करूंगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में
जो आपके रिलेटिव्स के बेटे हैं, अगर वो 17-18 में रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की अभी से सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं, और उन्हें ये कही कि आप जल्दी रिटायर होंगे और इस बात से आपको खुश होना चाहिए, आप अपने पसंद के काम कर पाएंगे, बाद में भी करना चाहें तो आप अपने शौक पूरे कर पाएंगे, घूमना फिरना अच्छी सी जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी करें उतना बेहतर, सिंपल है, बिल्कुल करना ही चाहिए। इसलिए मैंने पिछली बार कहा ना कि कई बार लोगों को लगता है कि मेरे तो सैलरी कम है, मेरी तो कमाई कम है, मैं कैसे घर चलाऊं, कितना बचाऊं, कैसे बचाऊं, कितना निवेश करूं, तो उसका फॉर्मूला सिंपल है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप मानिए मत ना मेरी 50 है, आपको 5,000 अगर सैलरी में से बचाना जरूरी है हर महीने तो आप मान लीजिए मेरी सैलरी 45 ही है भाई, जो आ रहा है 45 में से ही आ रहा है, 45 से सैलरी 45 सैलरी आएगी 50 के बजाय तो क्या आप घर नहीं चलाएंगे, चलाएंगे ना, तो वो 5,000 10% 15% आपको जो बचाना है आप ये मान के चले कि मेरी सैलरी इतनी है ही नहीं, कम है, और उसको आप बचाना शुरू कर दीजिए। ओके, सिंपल है, तो आपके अपने आप शुरुआत से बचत की आदत पड़ जाएगी। देखिए ये स्वाति ये सब हैबिट वाला मामला है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और हैबिट बना दो बस, जैसे सुबह उठ के आप भाई एक मॉर्निंग रूटीन है, फिर खाना पीना खाते दो तरह के आदमी है, दो तरह के आदमी होते हैं ना, एक वैसा आदमी जिसको आप बोलो सुबह जल्दी उठ घूमने जाओ जॉगिंग कर योगा वोगा कर, बोले भाई ये क्या है यार मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी तरफ के ऐसे भी लोग हैं जो जिस दिन एक्सरसाइज ना करे योगा ना करे उन्हें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, बोले यार आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, है ना, एक विल पावर भी तो है ना, वो फिर आदत हो जाएगी, फिर बिना योगा की आपको मजा ही नहीं आएगा, बिना आपको एक्सरसाइज किए मजा नहीं आया, वैसे ही एक बार आदत बढ़ गई, आदत पड़ गई पैसा बचाने की, आप बचाओगे। ये मामला यहाँ से है, यहाँ से कम है, यहाँ से ज्यादा। अनिल जी एक पर्सनल सवाल, आई एम श्योर काफी दर्शक ये सुनना भी चाहते होंगे, आपने निवेश की शुरुआत कितनी उम्र में की थी? मैंने निवेश की शुरुआत, देखो मैं तो बहुत लेट था, और मैंने कमाई की शुरुआत की मेरे ख्याल से 23 साल से, और मेरा पहला शुरुआत के 2-3 साल तो मेरे इन्वेस्टमेंट जो होते थे वो सारे के सारे टैक्स प्लानिंग के एंगल से होते थे, लेकिन मुझे याद है मैंने 93 में मैंने पढ़ाई ख़त्म करके जॉब शुरू किया, 95 या 96 में मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था इक्विटी में। ओके, हाँ उस ज़माने में 95 में हाँ NSE की शुरुआत हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और तब मैंने पहला इन्वेस्टमेंट पहला शेयर खरीदा था उस ज़माने में, मैंने तब से की। तो अब कई ऐसे आपने यंग, हम अगर हम थोड़े यंग ब्लड की बात करें, अब उनको शौक भी पूरे करने हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कमाई कर ली जाए, अब मैंने पैसे लगा दिए, जैसे आपने कहा था ना कि स्टॉक में लगा दो, कहीं पर लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, जल्दी से पैसे, वेल्थ क्रिएशन उनका एक माइंड में गोल होता है जी। तो एक नीड बेस्ड हो गया गोल बेस्ड, एक वेल्थ क्रिएशन वाला भी एक गोल लगा, मुझे सिर्फ पैसे से पैसा बनाना और कोई मेरा गोल नहीं है, 5-6 साल में पैसे बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ देखिए जब आप पैसा लगाते हैं ये सिंपल उसी तरह से है कि आप एक बीज डाल रहे हैं जमीन में, उस बीज को आपको पानी भी देना है, खाद भी देना है, उसके चारों तरफ एक वो कुछ बाड़ भी लगा देनी है जब पौधा बाहर निकले, ताकि गाय बकरी खा ना सके, थोड़ा बड़ा हो जाए तो बड़ा आपको लगाना है बाड़, और एक लेवल तक आपको लगता है कि अब ये मजबूत हो गया है और ठीक ठाक सा पौधा बन गया है कि अपने दम पे सस्टेन कर सकता है, फिर आप उसको भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं, 2-4 महीने में, 2-4 हफ्तों में, 6 महीने में आके देख लिया भाई सब ठीक चल रहा है ना, और एक बार समझिए आपने आम की गुठली डाली, खाद बीज पानी डाल दिया सब, धीरे धीरे आम का पौधा निकला, बड़ा हुआ, 7-8 साल का पौधा बन गया, उसके बाद आपको पता अभी इतना मजबूत हो गया इसको कोई जानवर खा नहीं सकता, उसके बाद 10 साल बाद 12 साल बाद तो आपके आम लगने लगते हैं, हर साल लगते हैं, फिर आप खाद दें ना दें कुछ करें ना, खाली पेड़ खड़ा रहना चाहिए बस, उतना ध्यान भी रख लें तो आपके हर साल आम आते रहेंगे, फिर वो 10 साल बाद जो आम आएंगे वो 25 साल 30 साल 40 साल तक आते रहेंगे, अनलेस की कोई बड़ी कैलामिटी हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी वो तो आने आने। इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है, एक काम करें, एक हम आम की गुठली डालते हैं जमीन में,
आप भी रोज 10 बाल्टी पानी डालो और मैं भी रोज 10 बाल्टी पानी डालता हूँ ताकि वो जल्दी से पौधा बड़ा हो जाए, जो वो 10 साल लगाता है बड़े होने में 2 साल में हो जाए। पॉसिबल है क्या वो फास्ट फॉरवर्ड होके एकदम 5 साल में बड़ा हो जाए? पॉसिबल है क्या? बहुत सारी खाद डाल दे, बहुत सारा भाई जो वक्त लगेगा लगेगा भाई, पौधा लगने में बड़ा होने में जो वक्त लगेगा लगेगा। बिल्डिंग बनानी है क्या 10 फ्लोर एक साथ खींच सकते हैं क्या आप? नहीं ना, एक एक करके होगा ना। इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि वक्त लगता है तब तक नहीं बना पाएंगे। देखिए सिंपल चीज है, अगर एक कंपनी जो ये मोबाइल फोन बनाती है, ठीक है, आप ये सोचते हो इस मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी में पैसा लगाकर मैं बहुत सारा पैसा बहुत फास्ट बना लूं, तो जो कंपनी है, जो उसका प्रमोटर है, जो मोबाइल बना, वो बेवकूफ है जो इतनी मेहनत का काम कर रहा है, रोज सुबह शाम लगा हुआ है। भाई अल्टीमेटली बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कई सारी चुनौतियां होती है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं करना, खाली शेयर खरीद लूं या खाली एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर लूं उससे मैं करोड़पति फटाफट हो जाऊं? ऐसा नहीं है। तो बेसिकली लालच नहीं, एक तरीके से लालच ही हो गया ना। 100% लालच है, जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, वो जल्दी के चक्कर में जो है वो चले जाता है, और इसीलिए ज्यादातर लोग मार्केट से भाग जाते हैं या सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो इन्वेस्टमेंट के सबसे पहले नियम के तौर पर आपको एक चीज समझ लेनी है कि मुझे भाई आप है ना, गाय भी दूध देगी तो कितना देगी, जितनी कैपेसिटी उतनी देगी। आप ऐसा तो नहीं कि साल भर का दूध एक साथ निकाल लें, है ना। ठीक इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है, हो सकता है कभी आपकी लॉटरी लग जाए, कोई शेयर लेते ही भाग जाए, बड़ा पैसा बन जाए, एक वो अलग चीज है, वो नसीब है, वो दिमाग से नहीं है, है ना। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अपनी रिस्क ध्यान में रखें, कितने समय के लिए पैसा लगाना है, किस पर्पज से पैसा लगाना है, और उस हिसाब से फिर उसको टाइम देना है। टाइमिंग करने के बजाय कि आज डालूं कल डालूं परसों डालूं, वो सोचने के बजाय आज डालूंगा और कई सालों तक रहूंगा, जितना लंबा रहूंगा उतना फायदा होने के चांस ज्यादा, ये थ्योरी रखेंगे ना तो पैसा बनेगा। कई लोग ये भी समझते हैं चलिए मैंने तो पैसे डाल दिए, चलिए अब अपना काम खुद ही हो जाएगा, अब मेरी हर समस्या का हल निकल आया, मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब पेड़ का बीज तो बो दिया, ठीक है एक आध बार पानी डाल दिया है, बढ़ जाएगा खुद। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि आपका इन्वेस्टमेंट और पैसा बचाना हर समस्या का हल है, लेकिन जो समस्या है पैसे से हल हो सकती है उसका हल तो इन्वेस्टमेंट में है। अगर आप बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल का बिल तो आपका पैसा भर सकता है, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए तो आपके माँ बाप भाई बहन पति पत्नी जो भी है वही चाहिए। तो फैमिली फर्स्ट, उसकी तो जो इम्पोर्टेंस है जो है ही, उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन जो समस्याएं पैसे से हल हो सकती है वो जरूर इन्वेस्टमेंट हल कर सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, रिश्तों को अहमियत दें, पैसा भी जरूरी है लेकिन रिश्तों से ज्यादा नहीं। बेहतरीन। तो ये बात तो जारी रहेगी, हम फिलहाल आज हमने जाना कि निवेश में कितना ज्यादा अनुशासन की जरूरत है और निवेश करते समय क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आज इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी और जानेंगे निवेश करें तो कहां कहां करेंगे। फिर से लौटेंगे, देखते रहिए सी बिजनेस।